Hello my dear students, today discuss about English grammar chapter number 12 describing word. ठीक है, describing word का मतलब क्या होता है, वर्णन करने वाला शब्द. ओके, इफ यू वांट टू से समथिंग मोर अबाउट नेमिंग वर्ड या नाउन, वी एडेड वर्ड टू डिस्क्राइब इट. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप जो नेमिंग वर्ड होता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी मतलब डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब वर्णना करने वाला वर्ड. ठीक है, देखो ये येलो हैट, मतलब जो हैट है इसमें नाउन क्या हो गया, हैट. तो जो टोपी है कौन सा कलर है, पीला कलर. ओके, ए प्रीटी ड्रेस, एक सुंदर ड्रेस है, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो गया, प्रीटी. इसमें नाउन कौन सा है, ड्रेस. तो इसमें जो नाउन है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, मतलब ये जो प्रीटी, तो इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, देन ए शॉर्ट मैन, एक छोटा सा आदमी या व्यक्ति. ओके, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया शॉर्ट. ठीक है, देन ए हैप्पी बॉय, ए खुश बच्चा, मतलब वो खुश नसीब बच्चा है. ठीक है, ए न्यू कार, मतलब ए नया सा कार है. ए ब्राउन माउस, मतलब एक ब्राउन कलर का चूहा है. तो इसमें द वर्ड्स येलो, प्रीटी, शॉर्ट, हैप्पी, न्यू एंड ब्राउन टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन्स हैट, ड्रेस, मैन, बॉय, कार एंड माउस. इसमें क्या है कि जो ये वर्ड है ना, येलो, प्रीटी, शॉर्ट, हैप्पी, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा किसको डिस्क्राइब करता है, जो नाउन होता है ना, हैट, ड्रेस, मैन, बॉय, कार एंड माउस को. तो इसमें जो येलो, प्रीटी, ये सब कौन सा वर्ड हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो वर्णना करने वाला शब्द. ठीक है, therefore the words which tells or quality or the quantity of the naming words are called describing word. ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, वो नाउन का कौन सा किसी को मतलब दर्शाता है, क्वालिटी व क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, देन द शेप्स ऑफ नाउन्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. देखो जैसे शेप्स में मतलब आकार से कैसे दर्शाता है, जैसे ए राउंड बॉटम, एन ओवल बॉल एंड स्क्वायर सेट. देखो बॉटम कैसा दिखा रहा है, राउंड ही, बॉल कैसा है, ओवल है, और सीट स्क्वायर है. ओके, देन द नंबर्स ऑफ नाउन आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, देखो नंबर्स में कैसे डिस्क्राइबिंग करता है, जैसे वन बॉय, बॉय कितना है, वन, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया, वन, और नाउन क्या है, बॉय. ओके, थ्री डॉग्स, मैनी मैंगोज, ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे वन थ्री मैनी. ओके, देन द टेस्टेड फूड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, टेस्ट से कैसे दर्शाता है, जैसे द स्वीट्स कैंडीज, द स्वीट्स कैंडीज. ओके, कैंडीज कैसे होता है, स्वीट्स होता है, मीठा होता है. द बिटर वेजिटेबल्स, मतलब कड़वी सब्जी. ओके, द सल्टी चिप्स, ओके, नमक वाला चिप्स होता है. ये सब क्या हो गया, इसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, स्वीट, बिटर एंड सल्टी. ओके, देन द साइज ऑफ नाउन्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, साइज में कैसे डिस्क्राइबिंग करता है. देखो ए टॉल मैन, ए बिग हाउस, ए सैड बॉय, मतलब ये जो व्यक्ति है ये बहुत लंबा है. ओके, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया, टॉल. ठीक है, मैन कैसा है, हम लोग पूछेंगे वो आदमी कैसा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, टॉल है, मतलब बहुत लंबा है, तो वो कौन सा वर्ड हो गया, टॉल, डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, ए बिग हाउस, हाउस कैसा है, बहुत बड़ा है. ए सैड बॉय, दुखी बालक. ओके, तो हम लोग पूछेंगे कि बच्चा कैसा था, तो बच्चा दुखी था. ठीक है, देखो प्रैक्टिस टाइम, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड ड्रॉ एरोज द नाउन्स द डिस्क्राइबिंग वन हैज बी डन फॉर यू. देखो इसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना, उसको सर्कल किए हैं. एक देखो आपके लिए किए हैं कि दिस इज योर टॉल बिल्डिंग, वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है. ओके, इसमें डिस्क्राइबिंग का वर्ड क्या हो गया, टॉल. देखो देन द एप्पल्स आर जूसी, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, एप्पल्स. ओके, देन अभी इज वेयरिंग ग्रीन शूज, अभी जो पहना है जो शूज कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, तो इसमें डिस्क्राइबिंग कौन सा हो जाएगा, ग्रीन. ओके, ऐसे आपको ये सब करना है. देन देखो उसमें क्या दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. ओके, देखो डैश है बॉय,
तो इसमें क्या आएगा, ए टॉल बॉय, एन ओल्ड ओ मैन, ए फैट गर्ल, फोर्थ में क्या आएगा, द ब्लू स्काई, फिफ्थ में ए स्मॉल बोट, सिक्स में क्या आएगा, ए वुडन चेयर, सेवेंथ में क्या आएगा, ए उलून स्वेटर, एट में क्या होगा, ए ब्रोकन टेबल। ओके, ऐसे आपको उसमें चूज करके वर्ड लिखना है। ओके, देन फोन जोन में देखो, लुक एट द पिक्चर एंड राइट नाउन्स फॉर द गिविन डिस्क्राइबिंग वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नाउन इज गिविन फॉर यू हेल्प। देखो उसमें कुछ मतलब वर्ड दिए हैं जिसका कि एक वर्ड है आपको, तो आपको ये फील करना है, जैसे टॉल क्या होगा, टल ट्री, येलो वेल, देखो वेल जो दीवार है कैसा है, येलो कलर है ना, राउंड सन, देन ब्राउन मॉड, और फोर फ्लावर्स, फ्लावर्स कितना है, फोर है, और ब्लू फ्रॉक। ओके, ऑल आर अंडरस्टूड, थैंक यू।